जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है बहुत ही खास वीडियो में, और बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है अवध विश्वविद्यालय की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस जारी किया है कि वह इस साल के सेशन 2023-24 का एंट्रेंस एग्जाम्स कब लेगा। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह डेटा शेयर किया है। सो मैं बड़ी खुशी के साथ आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि फाइनली यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ बताया कि वह कब एग्ज़ाम्स लेगा। तो इस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कब होगा। आप देख सकते हैं आपके अवध विश्वविद्यालय ने ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है कि आपकी एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भरी जाएगी, आपका एग्ज़ाम्स कब होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में। और अब तक कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि इस बार एग्ज़ाम बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के और टाइम बढ़ा दिए गए हैं। फाइनली दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे ये डेट शीट आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे लिखा है अवध विश्वविद्यालय में कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर UGPG इज़ 10/6/2023। अर्थात मतलब कि इट मीन्स अब आपके जो फॉर्म हैं वो 10 जून तक भरे जाएंगे। एक महीने तक के लिए आपकी डेट बढ़ा दी गई है, 10 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और लास्ट फीस आपको 12 जून तक जमा करना है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर UGPG ऑन आवेदन आपको 15 तक कर देना है, और पब्लिकेशन द लिस्ट ऑफ द कोर्स एंट्रेंस टेस्ट 16/6/2023। यानी कि जो भी कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट की लिस्ट है, डेट है, वो 16 तारीख को रिलीज़ कर दी जाएगी। डेट ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डेट ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कब आने वाला है, कब यूनिवर्सिटी यहाँ पे एग्ज़ाम्स कराने जा रही है आपकी, तो 26-27-28 जून को एक्सपेक्टेड डेट मान लीजिए। अब यहाँ पे जो भी आपका कोर्स है, चाहे आप यूजी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे पीजी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चों, आपके एग्ज़ाम 26-27-28 यहाँ पे यूनिवर्सिटी बता रही। चाहे अगर एमएड की बात करें, एलएलबी की बात करें, एलएलएम की बात करें, एमएससी, बीएससी, बीकॉम, बीफार्मा, बीबीए, बीसीए, जिस भी कोर्स की बात करें, अगर आप अवध विश्वविद्यालय के एंट्रेंस की बात करें, तो 26-27-28 जून को एंट्रेंस डेट प्रस्तावित रखा गया है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अवध विश्वविद्यालय ने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा की डेट की सूचना दी है। 26, 27 और 28 जून साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर इसी डेट पे हुआ तो रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। 30 जून तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और जुलाई में 7 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर सीट बचता है तो डायरेक्ट एडमिशन 19 जून से होगा, डिपार्टमेंट के हिसाब से कि कैसे कैसे एडमिशन लेना है। 7 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये था बच्चों इम्पॉर्टेंट डेट। अगर आप, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ये आपका इम्पॉर्टेंट डेट है बच्चों। 10 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप उसका इंतज़ार मत करिए, एक आप प्लान बना लीजिए कि क्या आपको कोर्स में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना हो बच्चों, आज कल एक दो दिन में जब भी आपको मौका मिले, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फॉर्म भर लीजिए, फीस पेमेंट कर दीजिए, और आप निश्चिंत हो जाइए, उस कोर्स की तैयारी करिए। क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट की बात कर ले बच्चों, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर ले, तो 26, 27, 28 में। अब हो सकता है 26 के दिन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीफार्मा के एडमिशन टेस्ट हो जाए। दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होता है, तो दोनों शिफ्ट में 3 दिन में 6 शिफ्ट में पेपर्स होगा, तो यूनिवर्सिटी बहुत आसानी से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करा लेगी। तो बहुत ही एक्टिव मैं देख रहा हूँ इस बार यूनिवर्सिटी को, खासतौर पर सेशन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सच में अगर 30 तारीख जैसा कि आप देख रहे हैं रिज़ल्ट आने की बात की जा रही है, तो अगर 30 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाता है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि आपका जो सेशन है बच्चों, आपका जो सेशन है वो फिर से एक बार पटरी पे आता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि आपका जो सेशन है वो फिर से एक पटरी पे आ जाएगा, मतलब एक अपने सही डेट पे आ जाएगा, जो कि लेट होता जा रहा था। तो जिन बच्चों को एमएड में एडमिशन लेना है, खासतौर पे मेरे चैनल से जुड़े हुए बच्चे, अगर एमएड में लेना चाहते हैं आप एडमिशन, तो तैयारी जारी रखिए। क्योंकि आपका एक और फ़ायदा हो जाएगा कि आने वाले महीने जुलाई में सीटेट है, तो उससे पहले अगर आप एमएड की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो सीटेट में भी आपका फ़ायदा हो जाएगा, यूपीटेट में भी फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी एलएलबी के बच्चे हैं, एलएलएम के बच्चे हैं, बीबीए के बच्चे हैं, बीसीए के बच्चे हैं, जिनको आपको एडमिशन लेना है बच्चों, आप अपनी तैयारी जारी रखें। आप देख सकते हैं बच्चों, 26, 27 और 28 यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपका एग्ज़ाम डेट कराएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो मस्त तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाकी जो भी मेरी तरफ से यहाँ पे नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, जो भी मेरी तरफ से हो सकेगा विश्वविद्यालय की तरफ से, मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को। जुड़ जाइए, पढ़िए मन लगा के, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
बहुत बड़ी अपडेट थी, अब आपको मिस नहीं करना है, आपको आपकी वजह से किसी का भला हो सकता है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जो भी एजुकेशनल संबंधित ग्रुप हैं आपके मोबाइल में उस तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि विश्वविद्यालय कितना एक्टिव हो गया है। इस बार आपका जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो 26, 27, 28 को लेने की बात कही जा रही है विश्वविद्यालय की तरफ से, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब उससे पहले तैयार हो जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पसंद आई हो वीडियो, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नए जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ भला करिए। आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या स्थिति है आपकी, कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, फॉर्म भर दिया आपने या फिर क्या सोच रहे हैं एडमिशन लेना या नहीं लेना, कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत साथियों।